हेलो दोस्तों दोस्तों कैसे हो आप सब। आज की जो वैकेंसी है ये है IOCL में, मतलब इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड में। इसमें जो वैकेंसी निकल के आ रही है वो जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट के लिए निकल के आ रही है। इसमें कौन कौन एलिजिबल है पूरे के पूरा बात करेंगे, क्या क्या क्राइटेरिया चाहिए, क्या क्या आपने एलिजिबिलिटी चाहिए, पूरा का पूरा बायफिकेट करके उसमें बात करेंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। एक चीज़ है कि अभी दो तीन क्वेरी चल रही हैं जो आज के टाइम में सबसे ज़्यादा है। एक क्वेरी तो ये है, उसे बताने से पहले मैं यही बोलूँगा, जिसने अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल को फॉलो नहीं किया है वो टेलीग्राम चैनल को जरा याद से ज़रूर फॉलो कर ले। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। टेलीग्राम चैनल आप क्यों फॉलो करेंगे, उसका रीज़न है दोस्तों, आपको अपडेट सबसे पहले यूट्यूब से पहले अपडेट जो है टेलीग्राम चैनल पे मिल जाता है। मैं मानता हूँ कि 24 आवर्स आप यूट्यूब नहीं देख सकते, बट 24 आवर्स आप व्हाट्सएप पे कोई अपडेट आता है इजीली देख सकते हैं। ऐसे ही आप टेलीग्राम पे ज़रूर देख लीजिए, टेलीग्राम पे भी सेम व्हाट्सएप की तरह ही अपडेट आता है। आपको अच्छा लगे तो आप उसमें अप्लाई कर दिया कीजिए, क्योंकि देखिए यहाँ तो ठीक है गवर्नमेंट के तो डेडलाइन होती है, बट जो प्राइवेट वैकेंसी होती है उनमें कोई डेडलाइन नहीं होती है। उनमें ऐसे भी हो सकता है कि रात को वैकेंसी निकली या सुबह को वैकेंसी निकली, एक घंटे में फिल हो गई। इसी बिहाफ पे मैं बोलता हूँ कि वहाँ जरूर फॉलो कर लें। ये जो वैकेंसी है इसमें सैलरी बहुत अच्छी रहने वाली है, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा। इसमें सैलरी कितनी रहने वाली है जी, इसमें सैलरी आपने देख ही लिया है 25,000 से लेकर 1,05,000 रुपये तक रहने वाली है। और ये कोई मजाक नहीं है, ये बिल्कुल सच है। ये दोस्तों आप थंबनेल पे देख रहे हैं, ये IOCL की ऑफिशियल वेबसाइट का कैरियर लिंक है दोस्तों। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ऑफिशियल वेबसाइट का भी और डिटेल एडवर्टीजमेंट का लिंक भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा। आपको क्या कर लेना है, सबसे पहले आप देखेंगे ये थर्ड नंबर का डिटेल एडवर्टीजमेंट है और ये ओपन है। तो दोस्तों जैसे ही आपने डिटेल एडवर्टीजमेंट पर क्लिक करेंगे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, यहाँ से इसका एडवर्टीजमेंट ओपन होके आ जाएगा। जैसे ही आप एडवर्टीजमेंट देखेंगे इसमें वैकेंसी बहुत सारी है। आप जो टोटल वैकेंसी है वो 21 और 22 नंबर है, 22 नंबर वैकेंसी है, 22 नंबर्स वैकेंसी है। और सैलरी आप देखेंगे सैलरी है 25,000 से लेके 1,05,000 रुपये तक। ये जो है दोस्तों ये अप डाउन हो सकती है, तो मिनिमम आपकी जो सैलरी बैठेगी वो 70,000 to 80,000 रुपीज़ बैठेगी। इसमें चाहिए क्या क्या, जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट के लिए निकली है, पोस्ट कोड 201 है और 205 है, जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए और प्रोडक्शन के लिए है 201। आप देखिए इसमें चाहिए क्या क्या, अगर आप प्रोडक्शन की बात कर लेंगे तो प्रोडक्शन में 3 ईयर्स डिप्लोमा चाहिए, डिप्लोमा वाले ही एलिजिबल है। और डिग्री जो है वो BSc वगैरह मैथ से, फिजिक्स से, केमिस्ट्री या इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री से की हो। तो अगर आप एलिजिबल नहीं हैं तो अपने फ्रेंड्स को आप फॉरवर्ड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपके साथ साथ किसी और का भी भला हो जाएगा। जूनियर असिस्टेंट जो है असिस्टेंट फॉर प्रोडक्शन में 201 है और इसमें क्या मांगा गया है, इसमें 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है। अगर आपने 1 ईयर का एक्सपीरियंस कहीं से भी किया है, 1 ईयर का एक्सपीरियंस तो आपका अप्रेंटिसशिप भी हो सकती है, बट आपका ये क्राइटेरिया मेंशन कर दिया है कि 1 साल का एक्सपीरियंस जरूर चाहिएगा ही चाहिएगा। 45% मार्क्स होने चाहिए SC ST के, और जो 50% क्राइटेरिया रखा है OBC और जर्नल का। तो 50% तो मेरे हिसाब से डिप्लोमा में अगर किसी ने किया है तो ईजिली 50% के बिना तो वो पास भी नहीं होगा। ऐसे दूसरे नंबर पर जो जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट फॉर इंस्ट्रूमेंटेशन वालों के लिए आई है, उसका जॉब कोड जो है 205 है, उसमें भी 3 ईयर डिप्लोमा चाहिए इंस्ट्रूमेंटेशन या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स से या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन से या फिर कंट्रोल इंजीनियरिंग से। और इसमें भी सेम क्राइटेरिया है कि जर्नल एंड OBC के लिए 50% और SC ST के लिए 45%, ऐसे इन्होंने क्राइटेरिया रखा है। इसमें भी इन्होंने 1 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मांगा है। दोस्तों एक चीज़ है, आपने देखा है कि इन्होंने जो मांगा है ये डिप्लोमा BSc सब्जेक्ट का सब्जेक्ट अगेंस्ट रिप्रेजेंटेटिव रिपोर्ट ओनली विल अलाउ टू कंसीडर एलिजिबल क्वालिफिकेशन, डिप्लोमा स्पेसिफिक ब्रांच सब्जेक्ट शैल नॉट बी एंटरटेन कंसिडर्ड। तो बात वही है, बात कहने का इनका मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना है कि आपको इसी पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, अदरवाइज दूसरी ब्रांचेस इसमें अप्लाई नहीं कर सकती है। ये कोई काम की बातें नहीं है, जो इतना है आप एक बार चाहें तो इनको रीड भी कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। एक उसमें जो मेन काम है वो है अपॉर्चुनिटीज़ फॉर वुमेन। वुमेन के लिए क्या किया है इन्होंने किया है कि नो वुमेन इज़ परमिटेड इन द वर्क इन द एंटर द एनी बिल्डिंग इन द जनरेशन ऑफ गैस। दोस्तों इन्होंने बोला है कि एज पर गवर्नमेंट गाइडलाइंस के हिसाब से कोई भी वुमेन जहाँ गैस का जनरेशन होता है या डेंजरस पेट्रोलियम का जनरेशन होता है या फिर कोई भी फ्लेमेबल मटेरियल का जनरेशन होता है, वहाँ वुमेन वर्क नहीं कर सकती है। दैट मीन्स कि प्रोडक्शन वाले डिपार्टमेंट में वुमेन फॉर्म ना भरें और जो सबमिट करना है तो वो इंस्ट्रूमेंटेशन वाले में करें, मतलब 205 जो कोड है उसी में सिर्फ सबमिट करें,
ये कहने वाला मतलब है इनका। रिजर्वेशन दिया है इन्होंने नॉन क्रीमी लेयर के लिए, इन्होंने मैन रिजर्वेशन दिया है। रिजर्वेशन आप देख सकते हैं नॉन क्रीमी लेयर और EXM और EWS वालों के लिए इन्होंने रिजर्वेशन दिया है एज़ पर गवर्नमेंट गाइडलाइन। दोस्तों इन्होंने SC ST के लिए भी रिजर्वेशन दिया है जो कि एज़ पर गवर्नमेंट गाइडलाइंस के हिसाब से। एज रिलैक्सेशन में आप जैसे कि आपको पता ही है SC ST के लिए फाइव ईयर्स का होना चाहिए और OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए थ्री ईयर्स का जो है वो इन्होंने रिलैक्सेशन दिया है। तो डेट ऑफ रीलॉकिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये कुछ नहीं है, पर्क पे एंड पर्क्स, वैसे कि मैंने आपको सैलरी का बता ही दिया है 25,000 से लेके 1,05,000 रुपये तक रहने वाली है सैलरी, तो इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इसमें आपको सारे अलाउंसेस मिलेंगे, HRA, हाउस अकोमोडेशन वगैरह सब मिलेगी, इफ अवेलेबिलिटी, मेडिकल फिटनेस वगैरह A to Z सब आपको दिया जाएगा। सेलेक्शन मेथोडोलॉजी, दोस्तों ये जो है आपको सेलेक्शन जो होगा, सेलेक्शन मेथोडोलॉजी विल कॉम्प्रोमाइज रिटन टेस्ट, स्किल्स और फिजिकल टेस्ट SPPT, ये स्किल प्रोफेशनली टेस्ट जो होता है उसके बिहाफ पे आपको दिया जाएगा। और यहाँ अगर आप एलिजिबल हैं तो फॉर्म सबमिट कर सकते हैं, अदरवाइज इसकी फॉर्म की फ़ीस भी जो रखी गई है वो भी यहाँ मेंशन है। इन्होंने जो फॉर्म की फ़ीस रखी गई है वो जर्नल और OBC के लिए, जर्नल EWS एंड OBC के लिए आर रिक्वायर्ड टू 150 रुपीज़ होगा और ये नॉन रिफंडेबल होगा। और SC ST के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई 150 रुपये है, कोई ज़्यादा फीस भी नहीं इन्होंने रखी। और ऑनलाइन एप्लीकेशन का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एक छोटा सा नोटिफिकेशन था और इसकी कुछ डेट जान लेते हैं। जो डेट है दोस्तों इसकी 7/5, मतलब आज से ही शुरू हो रही है, 7/5/2022 से ही शुरू हो रही है। लास्ट डेट है इसकी 28/5/2022 और जो इसकी ऑर्डिनरी पोस्ट टेस्ट होगी दोस्तों, जो टेस्ट की डेट होगी वो होगी 18/6/18/6। ईमेल आएगा आपके पास, मतलब जो इसकी ऑर्डिनरी पोस्ट जो आपके पास आएगी वो 18/6 और ईमेल जो आएगा वो 19/6 को आ जाएगा। और रिटन टेस्ट वेन्यू बाय हैंड वो 19/6 को है और टेंटेटिव डेट ऑफ रिटन टेस्ट 19/6 को ही होगी और लाइकली डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ रिटन टेस्ट वो 29/6 10 दिन में आ जाएगा। और मान के चलिए कि इसमें जून या जुलाई या अगस्त तक आपका सिलेक्शन हो जाएगा अगर आप इसमें सबमिट करते हैं तो। दोस्तों अगर आप एलिजिबल हैं तो मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूंगा कि आप जल्दी से जल्दी इसमें अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि ऐसी अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं आती है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें और दोस्तों जो अभी तक टेलीग्राम चैनल पे फॉलो नहीं किया है टेलीग्राम चैनल पे आज से फॉलो कर लें, क्योंकि आपके साथ साथ किसी और का भी भला हो जाएगा। कोई भी आपको प्रॉब्लम है कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिए, मैं जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।